नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में, इस बुलेटिन में पहली खबर बालोद से है, जहां नशीली गोलियों के दो तस्करों को बालोद पुलिस ने किया गिरफ्तार। अगली खबर बस्तर से है, जहां सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही अगली खबर दमोह से है, जहां सुनार नदी के भदभदा नाम के घाट पर धारा 144 हुई लागू। और भी तमाम खबरों पर आइए, करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बालोद से है, जहां पर नशीली गोलियों के दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बालोद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। आरोपियों से जब्त नशीली गोलियों की कीमत 1,44,300 रुपए और मोटरसाइकिल को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। पूर्व में भी आरोपी विश्वपति गौराई 2019 में नशीली दवाई के आरोप में जेल जा चुका है। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज राम गोपाल गर्ग के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक RS भगत बालोद के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद अशोक कुमार जोशी और पुलिस अनुभागीय अधिकारी बालोद देवंशी राठौर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक रविशंकर पांडे के क्षेत्र में युवाओं के द्वारा लगातार नशीली दवाइयों के सेवन करने की शिकायत मिलने से वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही करने के लिए मार्गदर्शन देकर निर्देशित किया गया, जिसके परिपालन में टीम बनाकर नशीली दवाइयों के बिक्री करने वालों के लिए मुखबिर तैनात किया गया था, जिसके बाद ये पूरी सफलता पुलिस को मिली है। ये नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए बालोद पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कार्रवाई की जा रही थी। इसी में सूचना मिली थी कि कुछ लोग यहाँ पर जो है टेबलेट फॉर्म में जो है नशीले पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस सूचना पर 29 तारीख को जो है कोतवाली और साइबर टीम को ये सूचना मिली थी, तो कार्रवाई की गई। उसमें जो है दो लोग पकड़े गए थे, एक का नाम विश्वपति घोरई है, दूसरे का नाम धर्मेंद्र प्रधान है। इनके पास से जो है प्रतिबंधित एल्प्राजोलम टेबलेट और दूसरी जो है एक ट्रेमाडॉल नाम की प्रतिबंधित टेबलेट, जो कि इस सेंस में प्रतिबंधित थी कि इनको बिना लाइसेंस के कोई भी रख बेच या इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके लिए उसको डॉक्टर की पर्ची आवश्यक है और तभी ये इसको कर सकता है। तो वो उसके व्यापार में संलग्न थे, तो इनसे करीबन 10 किलो वजन की टेबलेट जो है इनसे जब्त की गई है। इसमें प्रकरण NDPS के तहत दर्ज करके इसमें विवेचना की जा रही है। इसमें जो है ड्रग इंस्पेक्टर की मदद लेकर पुलिस ने इस मामले में और आगे कार्रवाइयां करनी है, जो अभी आगे की जाएंगे। बालोद से सीनियर संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से, जहां सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आदतन आरोपी पर बस्तर पुलिस की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिसके तारतम्य में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लेकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पकड़ने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस पूरे मामले पर ASP जगदलपुर माहेश्वर नाग का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। प्रार्थी सेवंती कश्यप, पंकज पांडे, तेज बहादुर उपस्थित होकर के यह आवेदन पत्र दिया कि कमल सनवानी निवासी मस्तूरी बिलासपुर के द्वारा अपना मंत्रालय में पहुंच बताते हुए इस बात के लिए उनसे पैसे ले लिए कि वे नौकरी लगाएंगे। इस प्रकार से कमल सनवानी ने कुल 11,39,000 रुपए नौकरी लगाने के नाम पर उनसे पैसे उगाही किए, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, 420 IPC की धारा लगाई गई उस पर, तथा कोतवाली पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से एक ब्रेजा कार, दो मोबाइल और एक लैपटॉप जब्त किया गया है। आरोपी के अन्य जिलों में भी, जैसे बिलासपुर और मुंगेली में भी FIR दर्ज किया गया है। इस प्रकार कुल धोखाधड़ी के 7 FIR कमल सोनवानी के खिलाफ में दर्ज किया गया है और वर्तमान में कोतवाली थाना ने अपने अपराध में उन्हें गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेज जा रही है। बस्तर से सीनियर संवाददाता कृष्णा पटेल की रिपोर्ट। खबर दमोह से है, जहां भीषण गर्मी से निजात पाने के लगभग 15 दिन से सुनार नदी के भरभदार नाम के घाट पर, जो बटियागढ़ ब्लॉक के हारड ग्राम पंचायत में आता है, यहां लोग नहाने पहुंच रहे हैं, लेकिन बुधवार के दिन यहां एक दुखद घटना सामने आई और एक युवक की डूबने से मौत हो गई, जिससे जिला प्रशासन सख्त हो गया है और आगे डूबने और अन्य घातक घटनाओं को रोकने के लिए पथरिया SDM महेंद्र गुप्ता ने CRPF की धारा 144 लागू कर दी है, जिसके तहत आसपास और बाहर के आने वाले लोगों को
भदभदा घाट पर जाने से रोक दिया गया है। यहां तक कि एसडीएम और नायब तहसीलदार योगेंद्र चौधरी ने भदभदा घाट पर जाने वाली रास्तों के बाहर नोटिस बोर्ड लगवाने के आदेश ग्राम पंचायत को दिए हैं, जिसमें लोगों को घाट क्षेत्र में प्रवेश करने से मना किया गया है। भदभदा घाट पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। हाटा पुलिस थाने ने भदभदा घाट पर दो पुलिसकर्मियों को सूचित किया कि वो सुनिश्चित करें कि लोग भदभदा घाट के पास ना जाएं। घटना हो गई थी, एक व्यक्ति नहाते समय खत्म हो गया था। उसी संबंध में आज एडीएम महोदय स्वयं आए हैं पुलिस बल के साथ। एडीएम महोदय ने धारे चौवाली लागू किए, जो व्यक्ति यहाँ नहाते पाए माल है वहाँ काफ़ी लोग आ करके नहा रहे हैं, लेकिन काफ़ी कुछ खतरनाक होता जा रहा है। कल एक बच्चा यहीं मरा है और एक बच्चा और आगे जाके मरा है। अभी मेरे सामने एक बच्ची भी फंस गई थी जिसको हम लोगों ने निकलवाया है। अगर प्रशासन नहीं खड़ा होता तो आज वो बच्ची भी मतलब ख़त्म ही हो गई होती। सर, ये लंबे समय से चल रहा था, लगभग एक हफ्ता से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन इससे पहले प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, क्या कारण है? नहीं, प्रशासन के नॉलेज में जब आया इतनी बात तो नहीं थी। लोग एक्चुअल पिकनिक स्पॉट तो हर जगह लोग ढूंढते हैं, तो पब्लिक भी पिकनिक स्पॉट के रूप में यही उनको भदभदा ही मिला, तो आ रहे थे पिकनिक तौर पे, लेकिन वो खतरनाक हो जाएगा इसका आइडिया न पब्लिक का था न प्रशासन का था। अब सर क्या इंतजाम रहेंगे आप? हमने धारा 144 लगा दी है, चौकीदारों की यहाँ नियुक्ति कर दी है जो रेगुलर सर्च करेंगे, और पुलिस फोर्स भी रहेगी यहाँ पे। ये व्यवस्था कब तक लागू रहेगी? ये व्यवस्था दमोह से सीनियर संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।